क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्वेश्चन नंबर थ्री से आपको समझ लेना पहले क्या कर रहा है। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध मतलब गलत, गलत एक प्रश्न सही होता है तो उसको 3 अंक मिलता है, आ एक प्रश्न गलत होता है तो उसको कितना अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। लेकिन टोटल अंक कितना अर्जित किया है यस, तो 40 अंक करता है, तो वो कितना सही बनाया होगा कितना गलत बनाया होगा यही चीज़ हमको लग रहा है कि पूछ रहा होगा। फिर कह रहा है उसके बाद कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता था। टेस्ट में कितने प्रश्न था ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर प्रश्न टोटल प्रश्नों की संख्या कितना था जो सही गलत और बनाया था, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ लिखेंगे माना, लिखेंगे माना यश, माना यश ने, माना यश की सही उत्तर की संख्या बराबर x मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना यश की सही उत्तर बराबर x मानेंगे, क्या। और फिर ये लिखेंगे कि गलत बराबर क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। चलिए प्रश्न ने कह रहा था कि सही उत्तर पर 3 अंक क्या मिलता है और अशुद्ध पर कितना काट लिया जाता है तो 1 अंक मिलता है। तो यहाँ तक ना तो यश की सही उत्तर, यहाँ सही लिखता है ना, सही उत्तर यश की गलत बराबर भाई, तो यश की सही उत्तर की संख्या हमने उत्तर के क्या माने थे, एक्स माने थे, तो लेकिन सही उत्तर कितना मिल रहा है उसको, 3 अंक मिल रहा है। यश की गलत उत्तर बराबर वाई, सही और गलत का पूछ रहा था, तो सही जो होता ना कुछ उसको इसके लिए 3 अंक मिलता है और गलत जो होता ना उसके लिए 1 अंक क्या करता है, काट लिया जाता है, ठीक ना। तो लिखें अब प्रश्न अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न अनुसार में लिखेंगे क्या, 3 अंक मिलता है सही उत्तर में, लेकिन मिलता है यहाँ, यहाँ कितना मिलता है, एक्स मिलता है, तो एक्स को 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अच्छा कटौती हो रहा है तो मतलब जुटेगा कि घटेगा, 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 क्या हुआ, घटेगा, घटा है। अब देखना अब गलत के लिए कितना अंक काट लिया जाता है, 1 अंक, तो 1 अंक काट लिया जाता है तो गलत के लिए कितना अंक, वाई, लेकिन अंक कितना, अंक में कितना, 1, तो वाई को 1 में गुना करेंगे कितना आएगा, वाई आएगा ना जी, तो कितना अंक, वाई, लेकिन उसको अंक कितना मिलता है, 40 को अंक अर्जित करता है, ठीक है, कितना अंक अर्जित करता है, 40 में। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। चल उसी तरह दूसरा नंबर दिया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता तथा अशुद्ध पर 2 अंक काट लिया जाता है। पहले सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा था, एक्स, एक्स कितना मिल रहा था, एक्स, अब मिल रहा है 4 अंक, 4 अंक मिल रहा था पहले में तो x, अब 4 को 4 अंक अब मिल रहा है तो क्या करें, 4 को क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4x, तो सही उत्तर के लिए कितना हो जाएगा, 4x। और फिर कटौती कर रहा है तो माइनस की पल, अब देखें अब कह रहा है कि गलत उत्तर के लिए 2 अंक की कटौती होता है ना जी, लेकिन यहाँ गलत के लिए कितना वाई हो रहा था, तो वाई हो रहा था, अब 2 अंक कटौती मतलब कितना वाई, 2 से 2 को वाई से गुना करेंगे कितना जाएगा, 2y, तो कितना कटौती हो जाएगा, 2y को कटौती हो जा रहा है, लेकिन वो कितना अंक अर्जित करता है, 50 अंक करता है, कितना अंक, 50 अंक। इस समीकरण कितना हो गया, चलिए हम लोग हम बनाएंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या बताए थे, x का मान या y का मान क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। चलिए यहाँ कितना है, y का मान कितना है, 2 है, और यहाँ y का मान कितना है, 1 है, ये 2 से क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में गुना करेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से गुना कर, 1 से गुना करेंगे तो बाद से में आएगा, तो यहाँ पहले लिखेंगे इस समीकरण
समीकरण एक में, किसमें एक में कौन विधि बता रहे सर? विलोपन विधि, विलोपन किसी एक को बराबर x का मान या y का मान बराबर, लेकिन समीकरण एक में दो से क्या करें पे गुना कर, गुना कर ले, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ दो से क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है ना। दो से गुना सभी में करेंगे, खाली इसी में नहीं करना है। तो दो से तीन में गुना करें कितना आएगा, छः एक्स आएगा, कितना आएगा छः एक्स। हम माइनस दो को y से गुना करेंगे तो 2y बराबर 40 को दो से गुना करेंगे तो 80 आएगा। चलिए अभी कितना 4x माइनस 2y बराबर कितना जी 50। अब यहाँ देखना साइन क्या है सबका, यहाँ प्लस में या माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में। आज जब भी बताया था जब साइन समान हो तो क्या करते हैं घटाने पर, तो क्या करते हैं घटाने पर, यानी साइन क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। कहीं कहीं लिखा जाता है कि समीकरण एक तरह समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, और सीधे भी लिख सकते हैं कि समीकरण को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखना गलत उत्तर, वो दो लाइन ऐसे देने का मतलब क्या, यानी यश लिखा हुआ अंत, यश को दोबारा हम न लिखने के लिए इसलिए से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए उतर गए, नहीं सर नहीं। चलिए यहाँ तक हम तो लिख लेते समीकरण को, समीकरण एक तरह से दो को घटाने पर लिख लेंगे, ठीक है, एक मिटा दे। चलिए यहाँ आते हैं, साइन चेंज यानी घटाने पर, हमने नीचे लिख चुके थे, यहाँ देखो ये दोनों प्लस में तो क्या होगा माइनस में, ये दोनों माइनस में क्या होगा प्लस में, ये दोनों प्लस है तो माइनस में। अच्छा छः में से चार एक्स जाएगा कितना बचेगा तो टू एक्स, ये माइनस ये प्लस घट गया, कटता नहीं है लेकिन हम लोग काटते हैं, लेकिन क्या होता है एक्चुअल होता है घटना, बराबर अस्सी में से पचास गया तो कितना बचा तीस बचा, और दो से तीस के कितना बार में कटेगा पंद्रह बार में, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास पंद्रह, x का मान पंद्रह आ गया। अब हम x का मान समीकरण एक में चाहे समीकरण दो में रखेंगे तो आपका क्या है y का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में इसका मान रखने पर x का मान रखने पर, चलिए समीकरण एक पहले क्या था थ्री एक्स था ना जी, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर चालीस था, ये नहीं था समीकरण एक, समीकरण पहला था थ्री एक्स माइनस वाई बराबर चालीस। चलिए अब इसी में क्या मान रखेंगे x का मान रखेंगे, तो x का मान हमारे पास आया था कितना आया था पंद्रह, तीन को पंद्रह से गुना करेंगे या माइनस वाई घटाएंगे तो कितना चालीस। अच्छा पंद्रह तीन कितना होता है पैंतालीस, पैंतालीस तो पैंतालीस माइनस कितना जाएगा वाई बराबर कितना होगा चालीस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ देखना आया था पैंतालीस माइनस वाई आया था ना जी, पैंतालीस माइनस वाई बराबर चालीस है कि नहीं। यहाँ देखना पैंतालीस है ये प्लस में है तो बराबर को उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, साइन क्या हो जाता है चेंज होता है, ये लिखेंगे माइनस वाई बराबर चालीस माइनस कितना जी पैंतालीस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर अच्छा बड़ा कौन पैंतालीस की चालीस पैंतालीस पैंतालीस चिन्ह लगा है माइनस, पहले माइनस नहीं जब पैंतालीस में चालीस जाएगा तो कितना बचेगा पाँच, माइनस और माइनस क्या होगा वाई का मान हमारे पास कितना आ गया, वाई का मान कितना आ गया पाँच आ गया, है कि नहीं। दिख रही थी दिया हुआ था ना बीस, बीस दिया ये आंसर दिख रही है। अब ये क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछा था कि प्रश्नों की संख्या बताना है ना जी, कितना गलत किया कितना सही किया वो दोनों को ऐड करेंगे तब मालूम चलेगा कि कितना
प्रश्न को संख्या का जवाब दिया है, तभी नहीं निकलेगा। चलिए यहाँ देखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सही प्लस गलत, ठीक है ना। अच्छा बता, सही मतलब कितना क्वेश्चन सही जवाब दिया था, 15 हो, ठीक है, आ गलत का कितना जवाब दिया, वाई मतलब 5, तो दोनों मिला के कितना है 20, यानी वो टोटल क्वेश्चन कितना बनाया था, 20 क्वेश्चन बनाया था, 20 क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें कितना अंक मिला था, 40 को, और 40 अंक मिला जिसमें कितना था, कुछ गलत भी था कुछ सही भी था, ठीक है। चलिए तो यहीं तक आज रहने थे आप लोग, कल लेट आज क्लास हुआ, तो कल हम पढ़ेंगे, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा 4 और 5, ठीक है, कल मिलेंगे फिर से।